हरियाणा में देसी शराब की हर बोतल की बिक्री से 50 पैसे और बियर की बोतल से 1 रुपया खेलों के लिए दिया जाएगा। खेलों के लिए मतलब स्पोर्ट्स के लिए, समझे? लोग फालतू में हरियाणा वालों को बदनाम कर रहे, बहुत पीते। अरे वो बेचारे तो इसीलिए पी रहे ताकि देश को कुछ मेडल और मिल सके, और मेडल मिल भी रहे हैं। तो भाइयों, पीते रहो और जीतते रहो, जीतते रहो मेडल। इसका मतलब यह हुआ कि अब खेलों को बढ़ावा देने के लिए शराब का सहारा लिया जाएगा। मैं तो समझ रहा था कि सिर्फ शराबी को ही सहारे की जरूरत पड़ती है, यहां तो साला सरकार को ही शराबी के सहारे की जरूरत पड़ गई। मंडोला जिंदाबाद। बीजेपी ने कहा है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सरकार। अब मुंह तोड़ जवाब कैसे दे यार सरकार? पाकिस्तान का तो मुंह ही दिखाई नहीं देता, उसका तो सिर्फ वो मुखौटा दिखाई देता है। इसीलिए बीजेपी का कहना है कि पाकिस्तान को गांड तोड़ जवाब दे सरकार, ये ज्यादा बेहतर है क्योंकि अक्सर हमको गांड दिखाते रहते। पिछले दिनों पाकिस्तान में तालिबान ने 4 स्कूल और उड़ाए। जिस हिसाब से वो चूतिए स्कूलों को उड़ा रहे हैं उस हिसाब से तो अब 2-4 ही और बचे होंगे। हाथ में लिस्ट लेकर कुछ यूं चेक करते होंगे, सिंध में कोई बचा गया? नहीं है। चलो कराची 2-4 हैं। चलो वैसे अब उसका सिंध नहीं, सिंध हो गया है। सरकार ने उसके नाम में से अंग्रेजी का H लेटर निकाल दिया है। कमाल है, हमारे यहाँ तो लोग अपने नाम में एक्स्ट्रा लेटर जोड़ते हैं, उनके यहाँ कम कर रहे हैं, इतना रिसेशन हो रहा है वहाँ पे। लेकिन क्या फर्क पड़ने वाला है यार, ना हमारे उन चूतियों की किस्मत बदली है और ना ही सिंध की बदली है। हमेशा हंसते रहने वाले हमारे रक्षा मंत्री AK एंटनी ने कहा है कि पाकिस्तान सिर्फ वादे ना करे, कार्रवाई भी करे। कितने भोले वाले हमारे रक्षा मंत्री, पाकिस्तान और कार्रवाई, ये तो वही बात होगी जैसे राहुल गांधी और शादी। ये कभी हो सकता है? जब हमने जय हिंद शुरू भी नहीं किया था तब से हम पाकिस्तान से यही कहते आ रहे हैं कि भैया कार्रवाई करो, और जब 100 साल बाद जब जय हिंद बंद हो जाएगा तब भी हम यही कह रहे होंगे कि भैया कार्रवाई करो, राहुल बाबा शादी करो। यानी पाकिस्तान तो बेशर्म है, हम भी कुछ कम नहीं है, हम भी बेशर्मों की तरह कहे जा रहे हैं। नहीं, चलो इस बार कुछ नया ट्राई करते हैं। है? याद है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हाँ, इस बार हम पाकिस्तान से कहते हैं कि भैया कार्रवाई मत करो, हो सकता है ये सुनते ही वो कार्रवाई कर दे, है ना? कमाल का आइडिया भाई, मेरा दिमाग अरिंदम चौधरी से भी तेज दौड़ता है। यही नहीं, मेरे दिमाग में तो और भी कई चीजें हैं जिनमें हम ये फॉर्मूला ट्राई कर सकते हैं। जैसे हम पाकिस्तान वालों से कहेंगे दाऊद तुम्हारे यहां नहीं है, तो तुरंत मान ले नहीं यही है, ओए हमारे यही है। हम कहेंगे वीणा मलिक को हमसे मत छीनो प्लीज, वो तुरंत वीणा मलिक को यहां से ले जाएंगे। इतना अच्छा सा लगेगा ना। हम कहेंगे प्लीज यार हमारी भी थोड़ी सी करेंसी छाप दो ना, तो तुरंत हमारी करेंसी छापना बंद कर देंगे। हम कहेंगे राखी सावंत को यही इंडिया में रहने दो प्लीज, तो राखी सावंत से भी छुटकारा मिल जाएगा। बोलो ऐसा कुछ ट्राई करना चाहिए, यानी फिर पाकिस्तान वही सब करेगा जिसके लिए भी हम मना करेंगे। हाँ, कुछ भी मना करो वो करेंगे, है ना? कमाल का आइडिया है, मैंने कहा था। हाँ, मेरा दिमाग अरिंदम चौधरी से भी तेज दौड़ता। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान हनीफ मोहम्मद ने कहा है कि कोच डेव वॉटमोर को उर्दू सीख लेनी चाहिए ताकि खिलाड़ी से सही तालमेल बैठ सके। क्या सलाह है, वैसे वॉटमोर को उर्दू सिखाने के बजाय अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी को खेलना सिखा ले तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब एक दो मैच तो जीता है यार, पाकिस्तान तो मान जाएगा कि जाओ और अब तुम भी मान जाओ और एक ब्रेक ले लो। जाओ, ब्रेक के बाद मिलवाऊंगा सोने की शर्ट वाले महान बंदे से। चलो ब्रेक ले जाओ।